अस्सलाम वालेकुम जी हर्बल टिप्स, आज हम आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपको अंडा पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने एक कप मैदा लिया है, ठीक है ना। आपको सबसे अच्छी बात, ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको पराठा बनाना पेड़ा बनाना पड़ेगा, और ना ही आपको पराठा बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने पानी लिया, तो इसे अच्छे से आप ऐसे इसे घोल लें, इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखें, आपको इससे अंडे वाला पराठा बना के दिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और ऐड कर लें इसमें। ये देखें, अब आप सोच रहे होंगे इससे पराठा कैसे बनेगा, पेड़ा कैसे बनेगा और पराठा कैसे बनेगा। ये मैं अभी आपको बताती हूँ करना क्या है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डालें, ऐसा बन गया। अब इसमें आप अंडा ऐड कर दें। आप सोच रहे हो मैं कर क्या रही हूँ, कैसे बनेगा। ये देखिए, अच्छे से मैश करें, लिक्विड फॉर्म बन जाएगी इसकी। ये देखिए, ये देखिए, आपको नजर आ रहा हो तो अच्छा बन गया। ये देखिए कितना अच्छा, कितना अच्छा बन गया ये। ये देखिए, ठीक है, ये आपने तैयार कर लिया बैटर। अब रखना आपने पैन, ये आपने ऊपर एक पैन रखा है, और थोड़ा सा आप इसके अंदर ऑयल डालें। ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक पैन हो, आपके पास तवा है, कुछ भी है उसके ऊपर बनेगा, और ऐसा बनेगा कि चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके लिए हम ये जो हमने बैटर तैयार किया, हम पराठा बनाते हैं। आपने ऐसे ऐसे करके डालना। ये देखिए, ठीक है, प्लेन आपने बस नॉर्मली हो, ना ज़्यादा तेज हो चूल्हा, ना ही ज़्यादा हल्का हो, ये आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपने ये पराठा ना कभी खाया होगा और ना ही, ये देखें अभी से हमारा पराठा, ये देखें, ये देखें कैसे माशाल्लाह से हिल रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको ये खाएंगे तो इंशाल्लाह। बस हमारे चैनल को आप लाइक किया करें बहुत ज़्यादा, और अभी कह जाएं इसका कलर जब थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो फिर इसे हमने चेंज कर दी है इसके साइड, आप खुद देखेंगे। और देखिए, ना ही कोई टाइम लगा है, सिर्फ 2-3 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके ये पराठा देखें कितना अच्छा तैयार हो गया। आपने इसे क्या करना है,
ये देखिए, ऐसा पराठा आपने कभी देखा होगा? कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ना तो आपको इसके अंदर आटा गूंदना पड़ा और ना ही आपको इसके अंदर पराठा बनाना पड़ा, ना ही इसे बेलना पड़ा। ये देखें, ये हमारा पराठा, ये देखें, ये देखें। चलें जी, हमारा ये पराठा तैयार है, अचार के साथ इसे खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।